वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स लाइफ। आज हम जानेंगे कुछ गिफ्टिंग आइडियाज। देखिए, पहले आप लोगों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम लोगों के दिमाग में या फिर मेरे दिमाग में खुद ही ना, कोई भी इनविटेशन आता है, चाहे वो किसी भी ओकेशन का हो, सो ड्रेस से पहले हमें उस दिन हमें कुछ दूसरा प्रोग्राम तो नहीं है, ऐसा सोचने से सबसे पहले दिमाग में पहली बात जो आती है, गिफ्ट क्या दे। होता है ना, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा, ये सबके साथ होता है ना फ्रेंड्स। तो हम लोग गिफ्टिंग क्या, गिफ्ट क्या दे क्या दे, कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि गिफ्ट जितना बड़ा हो तो उतना अच्छा है, देने वाला भी खुश लेने वाला भी खुश। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। गिफ्ट ऐसा होना चाहिए कि ऐसा कुछ सोचो कि वो बंदा गिफ्ट जो भी आपसे गिफ्ट रिसीव करता है तो वो हमेशा उसको यूज करते रहे और उसको टच करते रहे, ठीक है, ऐसा होता है। और दूसरी बात है, और एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप किस ओकेशन के लिए आप गिफ्ट खरीदना चाहते हैं। जैसे अगर मैरिज और हाउस वार्मिंग सेरेमनी, ऐसे थोड़े बहुत ओकेशंस होते हैं ना फ्रेंड्स, जो लाइफ टाइम एक बार होता है तो बार बार नहीं हो सकता। तो वैसे ओकेशंस पे आप ऐसा सोचिए जो जिंदगी लॉन्ग रन तक चलता हो, ऐसे चीज के बारे में आप सोचिए। वैसे एक छोटी सी बात को आप ध्यान में रखना है कि बर्थडेज हो गए, एनिवर्सरीज हो गए, ऐसे कोई भी ओकेशन जैसे फ्रेंडशिप डे हो गया, ये ऐसे एवरी ईयर आते हैं, तो आप ये सोच के चलिए कि आप जो भी गिफ्ट उन्हें दे रहे हैं तो एक साल तक चलेगा तो काफी है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है लाइफ टाइम हो, कुछ ज्यादा ब्रांडेड ही आइटम हो, ज्यादा कॉस्टली आइटम हो, ऐसा नहीं। उनको क्या जरूरत है ये आप ध्यान में रख के देना है, ठीक है। और दूसरी बात ना फ्रेंड्स, आपके बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स हो या फिर फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, जो आपके दिल के बहुत करीब है, तो आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए। अगर उनका बर्थडेज आ रहे हैं, पास में है, तो उनको क्या इंटरेस्ट, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या उनको जरूरत है, ऐसे करके थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए उनके बातों को वगैरह, तो आपको फिर ज्यादा अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको वैसे ही आइडियाज मिल जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन्फेंट्स। इन्फेंट्स के लिए तो बहुत ही वैरायटी है फ्रेंड्स, कि आप छोटे छोटे बूटीज हो गए, बॉटल्स हो गए, क्योंकि ये वाटर बॉटल्स भी हमेशा जरूरत पड़ती है उनको। जैसे 1 ईयर होने तक तो वो बॉटल फीड करते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि ऑलरेडी होगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई फैंसी बॉटल्स ऐसे डिजाइन के अलग अलग तरीके के अगर मिलते हैं तो यू कैन पिक देम, नहीं तो छोटे छोटे बूटीज मिलते हैं, ब्लैंकेट्स मिलते हैं अगर विंटर सीजन है तो, नहीं तो उनको कई बार वैक्सीन के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो बेड्स मिलते हैं ना छोटे छोटे, बहुत स्मार्ट से वैसे ले सकते हैं, नहीं तो मस्किटो अम्ब्रेला जैसा होता है, मस्किटो नेट्स वैसे देते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी ले सकते हैं। तो गिफ्ट हैम्पर्स मिलते हैं, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, विप्रो का हो गया, सिर्फ बेबी का जो सारे एसेंशियल्स हैं, जैसे राइट फ्रॉम शैम्पू टू क्रीम्स एंड ऑल, वो सारा हैम्पर मिलता है, वैसे आप गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब उसके बाद में आ जाते हैं कि बच्चों को अप टू 10 ईयर्स क्या गिफ्ट दे क्या गिफ्ट दे, ऐसा कुछ सोचिए कि आजकल मार्केट में बहुत सारे चीजें अवेलेबल है फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ चीज दीजिए जो उनको एंगेज रखेगा, ज्यादा मम्मी पापा को तंग करना या फिर किसी मोबाइल्स पे ना होके उनका ध्यान किसी तरफ बटे, एट द सेम टाइम उनका दिमाग शार्प हो, जैसे ड्राइंग बुक्स हो गए या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, ऐसे कई सारी चीजें नए नए मार्केट में आए हुए हैं, आप एक्सप्लोर करके उनको दे सकते हैं, ओके। अप टू 10 ईयर्स के बच्चों का आप ये भी दे सकते हैं, मेसन जार्स हो गए, जिसमें कई बच्चों को फ्रूट जूसेस पीना पसंद नहीं होता, दूध पीना पसंद नहीं होता, तो अगर आप उनको बहुत लवली मग्स भी मिलते हैं फ्रेंड्स बाहर मार्केट में, तो आप उनको वो गिफ्ट दे देंगे तो अच्छी आदतें होंगी, जैसे दूध पीना, फ्रूट जूसेस पीना, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। नहीं तो छोटे छोटे बैकपैक्स हो गए, कभी वो लोग पिकनिक्स पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो अपना सामान जो उनका अलग सा सामान है वो पैक करके जाए, तो छोटे छोटे बैकपैक्स, ऐसे बहुत सारी वैरायटी मिलती है, आप उनको वो दे सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं टीनेजर्स की। टीनेजर्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल है फ्रेंड्स, कि वो ना छोटे बच्चों के कैटेगरी में आते हैं ना बड़ों के कैटेगरी में आते हैं। वो क्या है, स्टडी स्ट्रेस उनको इतना ज्यादा रहता है, तो उन लोगों के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल ही है। तो ऐसे टीनेजर्स के लिए मैं तो सोचती हूँ बुक्स, जो इन्फॉर्मेटिव बुक्स हो, स्टोरी बुक्स हो, या फिर लाइफ में कैसे कैसे, मतलब यंग चिल्ड्रन के लिए कौन सी बातें अच्छी है, या फिर नई स्टोरीज जिसमें मॉरल्स हो, वैसे वाले बुक्स देंगे तो आपको सबसे बेस्ट है उनके लिए। और भी ना फ्रेंड्स, स्टेशनरीज में एक सीक्रेट बुक करके मिलता है, छोटा सा लॉक रहता है उसको, उसको बटन्स ओपन करके खोलेंगे तो ऐसे काम करता है। अभी मेरे बेटी को मिला था एंड इट वॉज अ वेरी रियली लवली गिफ्ट। अभी उसको मिल नहीं रहा, लेकिन आप एक्सप्लोर करेंगे तो स्टेशनरीज में मिल जाएगा। ओके okay? तो नहीं तो टीनेजर्स के लिए कभी कभी पार्टीज जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग जाते हैं, तो छोटे छोटे स्लिंग स्लिंग बैग्स भी बहुत अच्छे रहते हैं फ्रेंड्स, आप वो गिफ्ट कर सकते हैं। नहीं तो छोटा मोटा ज्वेलरी पीस कुछ भी फ्रेंड्स। एडोलेसेंस एज में जैसे टीनेजर्स के लिए और एक भी आपको ऑप्शन मिलता है कि उनको ना आजकल देखिए व्हाट यू से नेट का बहुत फैशन में है। जैसे यहाँ से ऊपर से नेट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मैंने कई लड़कियों को देखा है कि ब्रास का ना स्ट्रैप्स दिखते रहते हैं। तो आप ये उस वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स। आप ब्रा एक्सेसरीज करके उस कैटेगरी में चले जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए ऐसे ट्रांसपेरेंट ये हैं, दिस इज आई थिंक सेट ऑफ 3 और 4 है ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स। तो आप अगर ऐसे भी उनको गिफ्ट करेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे और काफी दिन तक चलेंगे। अगर कोई भी ट्रांसपेरेंट गार्मेंट्स के अंडर वो डालते हैं तो वो अच्छे से कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कई लोग समझते हैं कि ऐसे चीजें आप दो जो वो यूज कर सके आराम से, ठीक है ना। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई आप गिफ्टिंग आइटम मतलब डेकोरेटिव पीस ही दो या फिर कुछ किचन आइटम दो, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जो आप वो लोग यूज कर सकते हैं ना, ऐसे चीजें दो। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने तो एक अपने फ्रेंड को बाथ सोप दिया था क्योंकि उसको आदत नहीं है। तो फिर मैंने सोचा ऐसे कई लोग हैं जो लोग इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। तो अगर आप ऐसे किसी को गिफ्ट करेंगे तो वो हर रोज उसको यूज कर सकते हैं। एवरी डे आफ्टर शार दे विल रिमेम्बर यू, ऐसे सोच के मैंने दिया था। तो मेरे ग्रुप में दूसरे फ्रेंड ने बोला कि ममता नेक्स्ट ईयर मुझे यही वाला चाहिए। तो मुझे उसके तरफ से एक टेंशन खत्म हो गया ना कि इसको क्या दूं, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप देखो, आप आ जाते हैं आपके कलीग्स के पास, ठीक है। तो उनको आप ध्यान दीजिए कि उनको भी, वैसे कई लोग हैं आजकल जो ब्रॉड नेक्स वगैरह पहनते हैं, तो उनको ये पता नहीं कितने सारे एक्सेसरीज हैं जो कि मिलते हैं। सो वही मैंने बताया ना, ऐसे स्ट्रैप्स वाला एक्सेसरीज में कैटेगरी में आप चले जाएंगे तो आपको वाइड नेक ब्लाउज पहनेंगे तो ऐसे क्रॉस स्ट्रैप्स वाले, मैं आपको पिक दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में उनका हो सके तो लिंक दे दूंगी। अदरवाइज आप पिक देखकर जूम कर लेके उस आप चेक कर लीजिएगा, ऑनलाइन में ही मैंने खरीदा है ये सब चीजें, जो सभी लोगों बहुत लोगों को पता नहीं है फ्रेंड्स। तो आपके कलीग्स में आपके हम उम्र के लोग जो, अगर देखिए दिस प्लांट आई गॉट एज रिटर्न गिफ्ट, तो जब भी मैं इसको प्लांट को ना वाटर देती हूँ या फिर उसको उसके लीव्स को मैं से स्प्रे करती हूँ तो आई रिमेम्बर हर कि, और मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गया कि इसको मैं ध्यान दूँ, इसको मरने ना दूँ, ठीक है। तो दैट्स अ वंडरफुल गिफ्ट आई गॉट। ओके तो ऐसे आप सोच समझ कर ना, अगर आपके फ्रेंड्स को पेट्स की बहुत इंटरेस्ट है तो आप कोई पेट्स ही दे दीजिए, वो लोग देखभाल करेंगे। जिनको जो इंटरेस्ट है उसको हिसाब से आप देना पड़ेगा। अगर आपको किसी के एनिवर्सरी का इनविटेशन मिलता है तो आप उनको भी ऐसे गिफ्ट देना चाहिए जो कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को काम आए। देखिए इस कैटेगरी में आ जाते हैं वॉचेस, जो ही एंड शी सेम डिजाइन के, सेम कलर के, जैसे गोल्डन हो गए सिल्वर हो गए, आपको मिल जाएगा। तो दोनों एक ही साथ पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। एंड आपको एनिवर्सरीज पे आप अच्छे अच्छे बेडशीट्स गिफ्ट कर सकते हैं और नाइट वेयर गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अगेन बाथरूम्स, वो भी सेम कलर सेम
पैटर्न आदमी और औरत दोनों के लिए मिल जाता है. सो वो भी अच्छा आइडियल गिफ्ट है फ्रेंड्स. अदरवाइज ऐसा कोई आर्टिफैक्ट्स लाइक फॉर एवर टुगेदर ऐसे बड़े बड़े आर्चीज गैलरीज में वैसे मिल जाते हैं आपको. थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की जरूरत है. तो एनिवर्सरीज पे आप ऐसे वाले गिफ्ट देंगे तो ज्यादा आइडियल है. तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बुजुर्गों के बारे में. ठीक है, जैसे आजकल तो ट्रेंड ही हो गया, जैसे ही बच्चे अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, दे टेक अप सम जॉब एंड पहली सैलरी से ना मम्मी पापा को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं. तो बहुत अच्छी बात है. तो इतना ध्यान दीजिए कि देखिए मम्मी पापा के पास ऑलरेडी सब कुछ होता ही है, तो उनको ना इस उम्र में क्या चाहिए, साड़ियाँ मोबाइल्स, वो तो वो एक कॉमन चीज होगी ना. तो आप ऐसे चीजों का सोचिए जो उनको काम आए, हेल्थ हेल्थ के तरफ से. अगर उनको हेल्थ इश्यूज है, जैसे डायबिटिक है, बीपी पेशेंट्स है, तो कई सारे हेल्थ गैजेट्स मिलते हैं जो उनके लेवल्स को मॉनिटर कर सकते हैं. अदरवाइज ऐसा वाला हेल्थ बैंड्स भी बहुत ही, दे आर वेरी मच इन फैशन फ्रेंड्स. ये बहुत ही यूजफुल आइटम है कि ये अपने जो भी इनको इस्तेमाल करते हैं तो उनके फुटस्टेप्स को मॉनिटर करेगा, हार्ट रेट को मॉनिटर करेगा, स्लीप को मॉनिटर करेगा, जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज. ठीक है, सो आप ऐसा दिस वुड बी एन आइडियल गिफ्ट फॉर मम्मीज एंड डैडीज. ओके, अगर आप अभी अभी फर्स्ट सैलरी में से कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, गो फॉर इट. ओके, बड़े बुजुर्ग हमारे घर में रहते हैं, उन लोगों को याद नहीं रहता कि कौन से पिल्स कब 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 डाले, कैसे डाले. तो उनके लिए एक ऑर्गेनाइजर्स आते हैं फ्रेंड्स, राइट फ्रॉम मंडे टू संडे ना, पूरे डेज के हिसाब से एक एक आप प्लेट निकालो, उसमें उस दिन के सारे, मतलब मॉर्निंग आफ्टरनून जो भी डालना है वो मेडिसिंस डाल दो. तो ऐसे आप अगर सेट करके दे देंगे उनको, तो वो हर रोज एक निकालेंगे, बॉक्स डालेंगे और वो नीचे नीचे चला जाएगा, तो नेक्स्ट डे का ऊपर आ जाएगा. तो ऐसे कई ऑर्गेनाइजर्स हैं जो बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत आसान हो जाता है. तो ऐसे ऑर्गेनाइजर्स मैं पिक दे दूंगी और आप प्लीज चेक कर लेना. हो सके तो ऐसे आइडियल गिफ्ट्स के बारे में थोड़ा सा आप टाइम दे के सोचेंगे ना फ्रेंड्स, ना जो रिसीव करने वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो जरूर कमेंट करके बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, दिस इज ममता सेइंग बाय.